हे गाइस, तो भाई आज मैं फिर से आ चुका हूँ सबसे पहले भाई सोनू भाई की शो पर। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो है एंडो स्टीरियो। सो भाई आपसे सबसे पहला जो हमारा सवाल बनता है हर चीज में पूछते हैं भाई, वो हमारा प्राइस, कि मतलब आपकी दुकान में सबसे बेसिक से लेके सबसे महंगे एंडो स्टीरियो भाई कितने से कितने तक के होंगे? एंड्रॉइड की कोई रेंज नहीं होती। अच्छा, मिनिमम रेंज उसकी स्टार्टिंग हो जाती है 4000 से। मिनिमम 4000 रुपए? अच्छा, मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं होती, 25000, 35000, 40000, 50000 रुपए, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा, नहीं मैं आपसे पूछूं कि आपकी शॉप में सबसे सस्ता एक बार और सबसे महंगा आप दिखा देते। सस्ता ये होगा 6000 रुपए का मेगा सोने। ओके, मेगा सोने 9 इंची। अच्छा, 9 इंची। और सबसे महंगा अगर आप बताएं तो हमें? मेरे पास और महंगे वाले में होगा ये 9000 रुपए का पैनासाउंड। ओके, ये पैनासाउंड महंगे वाला। महंगे वाला ठीक है। दोनों की 9 इंच होंगे। ओके, 9 इंच में दोनों सेम है। अच्छा, साइज दोनों का सेम है? सेम है। यह हमारा हो गया पैनासाउंड, ये हो गया हमारा मेगा सोने। ओके, ये दोनों हमारे सेम है। मतलब दिखने में तो ऑलमोस्ट सेम ही है। सेम। अच्छा, सो भाई, अच्छा ये बताइए कि वारंटी का क्या सीन रहता है भाई इन सब आप में? ये लोगे तब भी 1 साल वारंटी है। हाँ। अब मेगा सोनिक लेते हो तब भी 1 साल वारंटी है। अच्छा, बट जो इसकी स्मूथनेस है वो इससे बहुत अच्छी है। नहीं, वो तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप हमें बताइए कि चलो डिफरेंस आप बता ही दीजिए कि अगर मैं महंगा लेता हूँ और सस्ते में क्या डिफरेंस आता है भाई, अगर आपसे कोई पूछे मतलब बताए। सस्ते में हाँ ये हैंग जल्दी होती है। अच्छा, इनकी स्मूथनेस होती है, साउंड क्लियरिटी अच्छी नहीं होती। अच्छा, हाँ। अगर आप इसी ब्रांड में चले जाते हो, हाँ, स्मूथनेस अच्छी, टच बहुत अच्छे काम करेंगे, हाँ, और इसका साउंड क्लियरिटी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, हैंग जल्दी से नहीं होंगे। ओके, अच्छा भैया, जैसे कि मैंने एक डाउट और सुना है कि भाई आप मेरे क्लियर करना कि अगर हम कोई सस्ता वो एंडो स्टीरियो लेते हैं ना, तो वो कुछ जो फीचर है वो सपोर्ट नहीं करता। अगर हम आफ्टर मार्केट वो कुछ भी लगवा लेते तो वो एक दो फीचर सपोर्ट नहीं करता, मैंने सुना। एप्पल कार प्ले हो गया। अच्छा, हाँ, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, हाँ, ये सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, अगर महंगे वाला लूंगा तो ये दोनों चीजें सपोर्ट करेगा। अच्छा, ये सपोर्ट करेगा। भैया एक लास्ट सवाल जो भाई मेरा आपसे बनता है, अगर एंड्रॉइड स्टीरियो कोई बंदा लेने आता है तो साइज डिफरेंस कितना कितना होता है? मतलब अगर कोई बोले कि आप नॉर्मली मैं गाड़ी में देखता हूँ भाई यही 9 इंच वाले, अगर सबसे बड़ा अगर कोई लगवाना चाहे तो भाई 7 इंच भी होता है। अच्छा, छोटा इससे भी होता है? ये भी एंड्रॉइड है, 7 इंच है ये। ओके, ये 7 इंच है। अच्छा, ये तो काफी छोटा है ये तो। हाँ, ये 7 इंच हो गया, ये 9 इंच हो गया। हाँ, एक बार में 10 इंच भी आता है। अच्छा, तो भाई आप प्राइस साइज डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं भाई साथ साथ में कि कितना डिफरेंस है यहाँ पर। अच्छा, आप बता रहे थे कि एक मैंने फॉर्च्यून में लगा देखा था भाई टेस्ला वाला, मतलब वो ऊपर से लेके नीचे तक लंबे वाला था, वो भी आप प्रोवाइड करवा देते हो? वो प्रोवाइड हो जाएगा, वो बस 1 इंच बड़ा होता है, ये 9 इंच के है। हाँ। 1 इंच और बड़ा होता है 10 इंच हो जाता है। नहीं नहीं, वो लंबाई में था, ये तो चौड़ाई में ना, वो लंबाई में था वो ऐसे वो। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे 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 लगा तो स्किन रोटेट हो जाती है। अच्छा, ये तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से रोटेट, अगर हम इसको लगाएं ये भी रोटेट हो जाएगा। अच्छा, ऐसे हो जाता है, मैं सोचता कि वो आता ही अलग है भाई। वो रोटेट हो जाता है ऐसे की जगह, वो ऐसे लग जाता है। ओके, तो बस भाई मेरी यही डाउट था। तो भाई अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शॉप। तो भाई अब हम आ चुके हैं आज की अपनी नंबर सेकंड शॉप पर। भाई आज की आई थिंक लास्ट शॉप होने वाली, क्योंकि वो थर्ड नंबर शॉप है भाई, उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है। जो भाई वीडियो बनवाता था वो भी अभी 2-4 दिन से भाई आ नहीं रहा है। तो भाई देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था एंड्रॉइड स्टीरियो के बारे में, तो भाई देखो सबसे पहली बात, अगर आप कार सिंगार में आते हो तो जो सबसे जो लोएस्ट वाला जो प्राइस में अगर आप बात करें तो सबसे सस्ता जो है वो 5,500 रुपये का भाई एंड्रॉइड स्टीरियो आपको मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो भाई वो लगभग 8,500-9,000 रुपये का आपको एंड्रॉइड स्टीरियो यहाँ पर मिल जाएगा। अब आते हैं भाई मेन बात पर, जो है डिफरेंस क्या होता है इन चीज़ों में। तो देखो सबसे पहली बात, कोई भाई अगर ये सोच रहा ना कि अगर आप ये 9,000 वाला लोगे तो आपको कोई ज़्यादा ही अलग स्क्रीन मिलेगी, तो भाई ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो मेजर फर्क होता है भाई वो होता है उनकी रैम में और भाई इनकी स्टोरेज में। जो अगर आप ये 5,500 वाला ले लेंगे तो आई थिंक इसमें 2-3 GB रैम होगी। अगर आप 9, 10, 11, 12 मतलब ऑलमोस्ट 40,000 रुपये तक के भाई एंड्रॉइड स्टीरियो आते हैं, तो उनमें रैम ज़्यादा अच्छी होती है, स्टोरेज ज़्यादा होती है, स्मूथ चलेगा और आपका हैंग नहीं होगा। और इनकी जो आईसी होती है जो इनके अंदर होती है भाई, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से आपका जब जो स्टीरियो होता है ना जो डैशबोर्ड में लगता है तो वो हीट इतना ज़्यादा नहीं करता। अगर आप ये लगा लेंगे ना, और अगर आप धूप में गाड़ी खड़ी कर देते हो अगर आप चलाते हो तो ये लैग करने के ज़्यादा चांसेस है, बट ये जो है उससे कम चांसेस है। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा लैग नहीं होगा, बट कम चांसेस है। और दूसरा जो फर्क होता है भाई वो होता है इनकी स्क्रीन का, मतलब इनकी स्क्रीन जो ज़्यादा ब्राइट होती है, ज़्यादा कलरफुल होती है, ये डिफरेंस होते हैं मेजर मेजर। अगर भाई बोले कि साइज में कितना डिफरेंस होता है, तो साइज में जो है बहुत ही कम डिफरेंस होता है। अगर आप बात करें आई थिंक एक आता है 7 इंच का, एक 8 इंच, एक 9 इंच, और एक टेस्ला वाली जो स्क्रीन आती है ना वो
बड़ी अलग आती है, क्योंकि ये जो यार देखो ना ऐसे चौड़ाई में आती है, बट जो टेस्ला वाली आती है भाई वो आती है आपकी लंबाई में, वो लगाने के बाद थोड़ा सा जो है ना आपका इंटीरियर भाई ज्यादा अच्छा लगता है। बट आजकल जो भाई मार्केट में काफी सारी स्क्रीन जो है भाई आ चुकी है, और आपको मैं एक बात बता दूं भाई, देखो मेरा जो मेन मोटिव यहाँ पर वीडियो बनाने का भाई यही है कि आप अगर कोई चीज लगवाना चाहते हो अपनी गाड़ी में, तो उसका बेसिक और उसका हाईएस्ट प्राइस आपको एक आइडिया हो। फॉर एग्जांपल अगर भाई जैसे कि मुझे एंडो स्टीरियर लगवाना है, बट अगर वो जिसके प्राइस के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो वहां पर जो है ना स्कैम होने के ज्यादा चांसेस। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि यार आपको थोड़ी बहुत, मतलब अगर आप दुकान पे जाके बिल्कुल ब्लैंक ना खड़े हो जाए, वो मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का, कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि यार कम से कम अगर ये है एंडो स्टीरियर, अगर किसी भाई को एंडो स्टीरियर लगवाना है, अगर उसको यही नहीं पता होगा कि कम से कम कितना होता है, जैसे कि अगर मैंने बोला कि यार आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, मतलब 5,000 रुपये से नीचे आपको एंडो स्टीरियर मिलेंगे ही नहीं। अगर कोई दुकान वाला कोई चाइनीज से भी चाइनीज अगर आपको 2-3 हज़ार रुपये में आपको स्टीरियर लगा के दे रहा हो, तो वो लोग बोलेंगे कि यार वही स्टीरियर लगवा रहा, तो भाई वैसा नहीं होना चाहिए ना। अगर आप देखें यहाँ पर है 5,000 रुपये का, अगर मैं किसी दूसरी दुकान पर जाता हूँ वो बोलता है 6,000 रुपये का, तीसरी दुकान पर अगर मैं जाता हूँ तो बोलेगा 5.5-6.5 का। तो मतलब आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि अगर मुझे एंडो स्टीरियर लगवाना तो कम से कम 5,000 रुपये तो भाई मुझे देने ही पड़ेंगे। तो भाई ये मेरा मेन मोटिव है भाई इस ये जो वीडियोस बना रहा ना इनका। तो बस भाई यही था मेरी आज की वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।